नमस्कार किसान साथियों साथियों आज बात करेंगे कि गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, गेहूं की बुआई का समय क्या रहता है और गेहूं की बुआई के समय कौन सा फर्टिलाइजर आपको यूज में देना है और कौन सी वैरायटी बेस्ट होती हैं। किसान भाइयों जैसे कि देखते हो आप हमारा एक खेत गेहूँ की बुआई के लिए तैयार है। इसमें हमने पिलाई करके जब बा आ गया उस समय इसकी हकाई करके अब इसकी बुआई के लिए तैयार है। तो साथियों देखते हो इस खेत की जो मिट्टी है वो बलुई दोमट मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है क्योंकि गेहूं की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। किसान साथियों गेहूं की वैरायटी की बात करें तो इस समय हमारे एरिया में राज 40-37 है, राज 30-77 है, राज 41-20 है या फिर साथियों पीडी गेहूँ की वैरायटियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। इस खेत में राज 40-37 की बुआई करेंगे। किसान भाइयों राज 40-37 वैरायटी की बात करें तो इसकी हाइट लगभग 90-95 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, तना मजबूत होता है, मोटा होता है, इस कारण इसके पौधे नीचे नहीं गिरते हैं। पैदावार की बात करें तो साथियों 60 क्विंटल प्रति हेक्टर तक इसकी पैदावार देखने में मिलती है। अब बात करें गेहूं की बुआई की सही समय की तो गेहूं की बुआई आप 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लेट बुआई करते हैं तो 20 नवंबर से 30 नवंबर तक इसकी लेट वैरायटी की बुआई आप कर सकते हैं। और किसान साथियों बात करें गेहूं की फसल में फर्टिलाइज़र की तो साथियों बुआई से पूर्व अगर आपको DAP मिल जाता है तो आपको लगभग 30 किलो DAP 3 बीघे में काम लेना है, अर्थात 10 किलो प्रति बीघा DAP काम में लेना है। अगर आपको DAP खाद उपलब्ध नहीं होता है तो आप NPK 12-32-16 का भी इसकी बुआई के लिए आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर आप दूसरा विकल्प लेना चाहें इसमें आप 3 बैग SSP का और 1 बैग यूरिया खाद का लेकर के खेत की बुआई के समय इसको भुड़काव कर ले तो वह उसमें DAP की जितना आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो साथियों जय हिंद जय भारत जय किसान।